स्टेज को बर्बाद कर दे। बैठा हुआ है, क्या हुआ भाई, ठीक है तबीयत, बैठ क्यों गया भाई, कुछ डिसेप्शन इज अफुट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फर्स्ट पर्सन साइन ऑन टू बी ऑन दिस फिल्म। And am I happy? Yes, I'm happy as a film fan and a cricket fan that he's going to be part of telling that story. Please welcome the child who was dropped in a barrel of Red Bull when he was born, Ranveer Singh! Here he is. You don't need a mic. You don't need an amplifier. Mike Lal ko mic do. Good afternoon, everyone. Look at all these happy, shiny people. What an honor to be here today. Ladies and gentlemen, today you are all, everybody in this room is a part of history. A round of applause for our champions. नमस्कार नमस्कार क्रिकेट फैन नंबर वन, अच्छा नंबर टू आपके बाद, चलिए ठीक है नंबर टू, जॉइंट नंबर वन। तो एक बात बताइए, आप कितने बड़े क्रिकेट फैन हैं? मतलब यहाँ कौन बड़ा क्रिकेट फैन नहीं है। आई मीन इफ यू आर बॉर्न इन दिस कंट्री, अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं तो इट इज इन योर ब्लड। आई वॉज बॉर्न इन 85, ये 2 years आफ्टर 83। एक मिनट, ये पंजाब की क्रिकेट एज बता रहे हैं 85 है? सच सच बता रहे हैं? तो 85 means 82, no? no. 85 ही वो बात। थोड़ा इरेज करूँ? थोड़ा सा करूँ। तो of course I was born into a time where cricket was already the biggest thing. Cricket was already the number one sport in our country, the biggest thing. And I never knew the backstory. तो जब कबीर खान साहब आए थे और उन्होंने बताया 83 पे फिल्म बना रहे, मैंने कहा फाइनली फाइनली द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स स्टोरी इज कमिंग टू स्क्रीन। आई मीन इट्स आवर फर्स्ट वर्ल्ड कप विन, एंड दैट्स व्हाई माय जनरेशन ऑलवेज थॉट दैट क्रिकेट इज ऑलवेज बीन बिग। इट्स ऑलवेज, हाँ मतलब इट वाज नॉट, इट केम एज अ ह्यूज सरप्राइज टू मी व्हेन कबीर सर फाइनली स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी। मतलब ऐसे हुआ था, एंड माय रिएक्शन लाइक नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा है यार, ऐसे हुआ था ऐसे। मतलब इट वॉज सो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू लर्न द ऑड्स अगेंस्ट विच दीज जेंटलमैन हैड टू फाइट एंड राइज अगेंस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स ट्रायम्फ। एंड मोर देन अ ग्रेट स्पोर्ट्स स्टोरी, मोर देन अ ग्रेट क्रिकेट स्टोरी, इट्स अ ग्रेट ह्यूमन स्टोरी, यू नो। इट्स लाइक इट, आई डोंट वॉन्ट टू नरेट द होल फिल्म। डोंट नरेट द होल फिल्म। कबीर इज गेटिंग अ हार्ट अटैक ओवर देयर सेइंग बॉस। अरे वो एनओसी लेके आना भाई। बट आज जो रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस हीरो है, खुलासा, आज जो ये सबसे सक्सेसफुल हीरो है, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। अब बताइए कैसे? बहुत बड़ा हाथ है सर। अब आप देखो, आई वाज इन अबाउट 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, मैंने गाइल शील्ड में 71/46 मारा था बाय चांस। द बाउंड्री, लेग साइड की बाउंड्री बहुत पास में थी सर, मैं चौके मारते जा रहा था और मैंने 71 बनाया, पेपर में आ गया। अब मेरे दो जो बेस्ट फ्रेंड थे मेरे से बहुत सीरियस थे क्रिकेट के बारे में, तो उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू ट्राई आउट फॉर मोहिंदर अमरनाथ अकेडमी इन खार जिमखाना। तो मैंने कहा यार तुम लोग वहां खेलोगे तो मेरे साथ कौन खेलेगा, तो मैं भी आ जाता हूँ ट्रायल के लिए। तो वो बहुत सीरियस बंदे, डिसिप्लिन, टाइम पे पहुंच गए और मैं थोड़ा लेट आया था। मेरी मैनेजमेंट जानती है कितना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो सर मैं आया भागते हुए खार जिमखाना में और दूर दिख रहा है, मतलब दिस मैन हैज एन ऑरा, सो व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन द पिच यू कैन टेल फ्रॉम अ माइल आउट वेयर ही इज। मैंने ओ वहां चल रहा है, ओके ओके। और वो दो लड़के खड़े थे ऐसे ऐसे और मैं इमीडिएटली बाजन हुआ, हाय सर सॉरी आई एम लेट दिस ऑर्डर, और बताओ क्या कर रहा है। ही वाज लाइक गेट आउट। उस दिन मैं ट्रायल में फेल हो गया।
और सर अगर उस ट्रायल में फेल नहीं हुआ होता तो आज ये यहां नहीं खड़ा होता. सो एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फिल्म फैंस इन द कंट्री वी वांट टू से थैंक यू फॉर द गुड जजमेंट यू एक्सरसाइज दैट डे. बड़ा सही फील किया सर आपने मुझे. क्योंकि ही कैन एक्ट लाइक अ फास्ट बोलर रियली वेल, ही कांट रियली बोल वेरी फास्ट वेरी वेल. सो इट वॉज अ गुड कॉल. बट रणवीर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बींग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड वी ऑफकोर्स आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. और मेरे लिए कोई काम कुछ पानी वानी लाना हो कुछ अगर नहीं पैड्स, I just want to tell you, तो मैं आ जाऊंगा. I just want to tell you how exciting and how surreal this is for me, interacting with these gentlemen backstage. It's like I can't believe happening. Can I tell them? There was so much excitement in him when he met everybody and he hugged everyone and he clicked pictures. Heart is racing. Afterwards, I asked him. I said, "How excited are you?" And I think you know how children are. He says, "You know, I'm so excited. I feel in the excitement, I'm going to throw up. I'm going to vomit." You know, जब बच्चे होते हैं ना, जब बहुत excited journey. There's so many stories about this. What we must do now is, I think we should call all the legends on stage. Should we call them? So let's call them in. No, I think we should call Chika first because he's on the phone. He's always on WhatsApp. Chika, you're always on WhatsApp. Since you are also comparable energy to him to balance it out, can we please have Mr. Krishnamachari Srikanth on stage, please? Sir, one quick World Cup memory before we call all your colleagues and teammates. First and foremost, fantastic to have Ranveer as our hero. Ranveer, the couple Dev, I think fantastic. Kapse, Salaam Alaikum, Walaikum Salaam, whatever you want. And great to be with all the guys. And all I can say is only sing. I mean, how many of you, I think all of you know this song. Those were the days, my friends. We thought they never end. We really feel that it never ends in 1983. And I have my lovely wife, Vidya, here. And we just got married on March 30th, 1983. And Sunny called up and said, "Hey, we're going to America for a holiday after the World Cup. Because, by the way, we will play World Cup on the way. So please book your tickets to Vidya. Madras to London, I mean, Bombay to London. Bombay to New York. Stop over in London to play the World Cup, by the way." That was the original plan. And Subish May, Sandeep was there in the gang with me, the US. Who all are? Roger Binney, you were there with me in the US gang. All of us had booked the tickets, brother. Ask them. So we're all actually going for a holiday to US. By the way, we thought we'd play the 1983 World Cup. Because you have to understand one thing. Before the previous 1983 World Cup, India had participated in two World Cups, 1975 and 79. And we had beaten only one team. A team called East Africa, which is a bunch of gujus put together, nothing else. There's Fatima no country called East Africa, you all know that, correct? So all the Patels and East Africa. That's the only team we beat. In 1979, incidentally, India lost to a team called Sri Lanka, which is not even a qualified test nation, by the way. So 1983, kya re, kya baat kar rahe hai? Chalo, we got selected for 83 World Cup. I told my wife, Vidya, come here, let's go for a honeymoon. You come for one tour. I took her for a short honeymoon to Sri Lanka in 83. Then I said, you'll have a second honeymoon in London, third honeymoon, main honeymoon in US actually. So that is a plan, honestly. It's the truth upon Lord Narayana, Lord Krishna, Devi Mata ki, Jai Mata di. I said, I have proof. Oh, Mr. Mansingh, you were also there in the trip to US, by the way. Our manager was also there. So he's also booked a ticket like that only. Cynthia, your ticket was also booked like that only, right? Bombay to New York, stopover in London to play. All of us are like that. Kirmani, Gavaskar, Ravi Shastri, Sandeep Patil, all of us are happy. Then first match was against West Indies. And we didn't have those theaters, team meeting, beating coach, beach, kuch nahi. Hamara coach idhar budda hai na, Mansingh hai. Kuch nahi malum hai, Mansingh hai. Old man Mansingh, coach, kayak, manager, everything. So he said, okay, team meeting. Kya re team meeting, kya? Coffee big hai. As usual, have a few cigarettes and then push off and then go. Then suddenly Kapil Dev, captain, says, okay, team meeting. Captain, chalo, karo.
Captain Sugdhar started the team meeting. So do you want me to stop? The fun starts here only. So the Kapil Dev said, when we can beat India once, why can't we beat once more? We thought, hey, pagal hai mara captain, kya pagal ho gaya rahe. The buggers become a fool, yeah. And Raja, myself, Kiri, Kirti, all of us are smoking. We thought these fellows become mad that day, right? Raja, tell me the truth, Raja, tell me the truth. Kirti, you come and tell me the truth. You buggers, come and tell me the truth here. We thought, you know, this is a typical leader, Kabir Khan, kuch bol gaya to, hey, aisa karega na chahiye, aisa karega. Yo, Kabir Khan, director, pagal ho gaya rahe, aisa karega, bol gaya. You know, when a captain, leader, managing director says something, all of us say, the bloody guy has got a full banker. Kya pagal hai? You're talking about this West Indian, beating this West Indian team? Kya team hai? Opening, Gordon Griddich, Desmond Haynes. Number three, Viv Richards. Number four, Larry Gomes. Number five, Clive Lloyd. Number six, what's the guy's name? Yeah? Number six, Barkas. Seven, Dujon. Then the four fast bowlers' names whom none of us want to remember ever in our lives. Do you want to remember that fellow, by the way? Do you want to remember those names? Any of you? Thank God, none of them want to remember. By the way, they are known as something like Michael Holding, Andy Roberts, Joel Garner, and Marshall Koye, Coach Isaiah. And this guy, idiot Kapil Dev, is coming and tell us we'll win this game. Yeah, kya pagal hai hamara captain. Yeah. I mean, not now, that time captain. That is what we thought, captain. But then Kapil Dev was very serious. He said, no, we can't beat them. Then we thought, okay, yaar, captain is very serious. And one thing, let me tell you one thing. We won the World Cup because of one man. The man who had so much of self-belief in himself. Kapil Dev. Thanks to you, Kapil Dev. A typical sab log Punjab hai na, chodna mat, chodne ka hai, nahi chodne ka mat hai, chodne ka mat hai. Aisa walo ke sab log hai, idhar ek Punjabi hai, dusra Punjabi hai, tisra Punjabi hai, char panch bhai Punjabi, you know how Punjabi is, Yashpal, brrrr, aisa aa sakta hai na. Thank you, ladies and gentlemen, that's our show. Goodbye. Now, everyone has to think of some other story because Chika's told. Then, goddamn, my ticket got cancelled. Then suddenly we won the World Cup. We had to come back to India, meet Mrs. Gandhi, President Jain, everybody. Oh, I had to rebook my tickets, 10,000 rupees, yeah, 1983, imagine. Again, I had to rebook my tickets. America, we went, by the way, we went to America. We cancelled the trip to America. We went later in August. Again, 10,000 bucks gone out of my pocket. Kapil, you have to reimburse the 10,000 plus interest, no, by the way, because you won it for us. No, you have to sit here. Chika, you have to sit here. Everyone is coming. First, I know, Kirti bhai, your flight is at 5 o'clock. I think we should postpone it. 6 o'clock, some other people will just postpone it. Next. I'd like to call Jimmy Pa, Mr. Mohinder Amarnath on stage, please. Cucumber you'll ever find. The coolest cucumber. Sir, one memory. I know you will only give one when I ask for one. Jyada nahi de sakte. Nahi, Shrikant ne jaise bola World Cup ke baare mein. तो आई विल टेल यू लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ 75-79. तब हम हॉलीडेज पे जाते थे, हमें टिकट मिलती थी पूरे टूर्नामेंट तक देखने की मैचेस की, पेड हॉलीडेज, यंग गाय, शादी हुई नहीं थी 75 में. और पहला जो ध्यान आया कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं हम लोग, क्यों? वहाँ ब्लॉन्ड्स होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं उनकी, जो माइंड सेट इंडियन का होता है. तो ये 75-79 का हमारा दौरा होता था. बट 83 वॉज डिफरेंट एक्चुअली. 83 वॉज वेरी डिफरेंट, हम लोग अलग थे. तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं, मैं मैच की बात बताता हूँ. एक हम सेमीफाइनल्स खेल रहे थे, मैं और यश बैटिंग कर रहे हैं उस टाइम इंग्लैंड के अगेंस्ट. तो हम लोग टी के टाइम ना, उस टाइम लंच ब्रेक भी होती थी, टी टाइम भी होता था. तो लंच से पहले सनी आउट हो गया, श्रीकांत आउट हो गया, तो हम थोड़ा धीमा ही खेले. तो मैंने यश को बोला, यार देख विकेट नहीं गिरनी चाहिए,
तो रन नहीं बनते कोई बात नहीं, बहुत ओवर्स हैं, ठीक है जिम्पा ठीक है। तो हम लोग धीरे खेले, कोई रन नहीं आए, तो हम ड्रेसिंग रूम में गए, तो ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा, कोई हमारी तरफ देखे ही ना, कोई चाय ना दे हमें, कोई पानी ना पूछे। तो हमने कहा हमने क्या जुर्म कर दिया यार यहाँ पे, हम तो प्लानिंग के हिसाब से खेल रहे हैं। एनीवे 20 मिनट की ब्रेक हुई, तो हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच था, तो हम जैसे ही निकले वहाँ से तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला, नॉर्मली कहते ओके कम ऑन बॉय गुड लक ये वो, आई थिंक पूरी टीम नाराज थी हमसे। तो हमने पाँव रखा ग्राउंड पे, मैंने यश को कहा यार अब देख अब टाइम आ गया है, तो हम दोनों को रिस्क नहीं लेना है, तो मैं रिस्क लेता हूँ और तू अपना आराम से खेलना। हाँ जिम्पा ऐसे ठीक है। तो मैं गया, तो पहले ओवर में मैंने एक चौका मार दिया निकल के मिड ऑफ के ऊपर से, तो 4 रन हो गए। तो यश, अब यश को कैसे वो सहन हो जी, पंजाबी है। तो नेक्स्ट ओवर आया, यश ने एक चौका मार दिया निकल के ऊपर से रिस्क लेके। मैंने कहा यार बात तो सुन, जरा चिल कर, विकेट नहीं गिरने चाहिए, एक आउट हो जाए दो आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं यस जिम्पा नो प्रॉब्लम, ऐसे ठीक है। अच्छा फिर टाइम्स रन आने शुरू हुए, तो बॉब विलिस गेंदबाजी करने आया एक एंड से, तो लॉन्ग रन अप बॉब विलिस का, बड़े बड़े बाल उसके, तो अपना भाग के आया। तो मैंने कहा यशपाल जरा आराम से। हाँ जिम्पा यस नो प्रॉब्लम। तो आया तो यशपाल ने विकेट छोड़ दिया सब अपने, ऐसे ऑफ साइड पे मूव हुआ, इधर से ऐसे फ्लिक किया ह्यूज सिक्स। तो मैं नॉन स्ट्राइकर था, तो मैं मुझे थोड़ा डर भी लगा इसने किया क्या है। मैंने कहा एनीवे यश गुड शॉट बट ए रिस्क क्यों लेता। जिम्पा यू डोंट नो, मैं गया ना गुस्सा क्यों, एने मैनू मद्रास च गालां कड्डियां सीगियां तो मैं अज पूरा किया। मैं क्या वो तो ठीक है जे आउट हो जाता फिर ले, मैनू अपने भरोसा है। तो है यशपाल शर्मा साढ़े, एंड यू प्लेड ए फैंटेस्टिक नॉक इन द सेमी फाइनल, एंड लवली टू हैव यू रणवीर, आप हमारे फैमिली के मेंबर बन गए हैं, एंड कबीर खान भी हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, और मधु डेफिनेटली, और हम भी और सब एक्साइटेड हैं कि हम आई थिंक इस जर्नी पे जा रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे पास जो हमने देखा है जो हमने शेयर किया है जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो हम सब आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे कि आप देख सकें कि ये दौर हमारा कैसे गुजरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू जिम्पा। कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट द फोटो मीडिया टू जस्ट मूव बिहाइंड, वी हैव अ लॉट ऑफ फोटो ऑप्स एंड दे नॉट गेटिंग देयर शॉट्स फ्रॉम द बैक, सो वी कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू, दे हैव आस्क्ड मी ट्वाइस टू जस्ट आस्क यू दैट, इफ आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मूव बिहाइंड। थैंक यू कबीर सर, ये वाली लाइन डालते हैं फिल्म में, वहां चलते हैं ब्लॉन्ड्स होती हैं वहां पे लिख ले लिख ले लिख ले। कबीर ने स्क्रिप्ट इस वजह से लिखी है, इंग्लैंड में बेस्ट। यशपाल जी कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज, मिस्टर यशपाल शर्मा प्लीज वेलकम विद अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर इन्होंने इस स्टोरी में कितना एग्जैजरेट किया और कितना सच है? हम इनको बिग ब्रदर कहते हैं, मैंने शायद बहुत कम नाम लिया है, ये पूरी सच्चाई है ये पूरी सच्चाई है, जो श्रीकांत ने कहा वो भी सच्चाई है। हम अच्छी क्रिकेट खेलने गए थे, अच्छी क्रिकेट खेलने गए थे, वो जो 79 का कहा वो भी सच्चाई है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 79 में जब हार रहे थे, हम 3 मैच खेले थे, टीम में सबसे ज़्यादा खुश मैं था, क्योंकि मैं उस टीम वर्ल्ड कप में था, क्योंकि मैं 12th मैन था, मैं खेल नहीं रहा था पर वो दुख भी हो रहा था। तो हमने जब पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज़ का, तो BBC रिकॉर्डिंग करती है, मैच दिखाती लाइव, तो उन्होंने कह दिया ये तो ऐसे होगा जैसे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया को मानते नहीं थे कि चलो ये कहीं रिकॉर्डिंग और कर लेते। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको शायद जानकर सरप्राइज होगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है पहले मैच की। वो जब झटका लगा ना 880 वोल्ट का पहले मैच में जब भारत जीता है, तो फिर वो BBC भी हिला कि अब हमें इनको कवर करना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ी हुई है।
लेकिन एक इंसान की मैं दाद दूंगा, वो कहते हैं ना जो लेजेंड्स होते हैं वो लेजेंड्स होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, शायद बहुत कम लोगों को पता है, दो मैच हम प्रैक्टिस मैच खेले थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले श्रीलंका के खिलाफ। पहला मैच हम लेस्टर शहर में खेल रहे थे, और जब हम खेल रहे थे हमने 285 हमारा चैंपियन कपिल और मैंने एक पार्टनरशिप की थी, वहाँ एक बहुत बड़े लेजेंड आए सर गैरी सोबर्स, उन्होंने जब वो मैच देखा, थोड़ा ग्रीन टॉप थी, जब मैच जीत गए तो उन्होंने वहीं से कह दिया था कि ये अंडरडॉग्स तो है, वॉच दिस टीम, ये सबको पता है। बाकी तो बहुत सारी स्टोरी है वो आपको पिक्चर में दिखेंगी, लेकिन जब फाइनल जीते तो मुझे कहा जाता था, मेरा एक नाम दिया हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी साथियों का, बादाम शॉट, क्योंकि मैं बादाम आज भी खाता हूँ, पहले भी खाता था, बचपन से खाता, तो मेरा वो निकनेम हो गया जी बादाम शॉट, जब जो छक्का लगता था कहते बादाम शॉट चला गया अभी। जब हम फाइनल जीते थे, अगर आप बैल्कनी में देखेंगे तो सब लोग बाहर खड़े थे, वेव कर रहे थे, नीचे कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग खड़े थे, तो एक रवि शास्त्री का दोस्त था, उसने ऐसे ही कह दिया था, शायद संदीप का भी दोस्त था, शायद संदीप का दोस्त था वो जिन्होंने वो शैंपेन की बॉटल्स दी थी, हाँ प्रवीण भाई, तो उन्होंने हमें कह दिया कि आप ऐसे ही कह दिया जैसे हमने पहला मैच जीता, कि यार जीतोगे तो फाइनल जीतोगे तो जितनी शैंपेन बॉटल बोलोगे आपको दी जाएंगी। अब वो ड्रेसिंग रूम में आ गई, अब वो नीचे लोग गए कि कुछ फेंकी है वहाँ से, अब वो शैंपेन की बॉटल नीचे से वो ऊपर से फेंकी जा रही है, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अब वो ख़त्म हो गई, अब हमसे कहाँ रहा जाए, अब नीचे करें और फेंको, अब वो कुछ हमें भी दो चार लोग हैं जो दूध पीने का बड़ा शौक रखते थे, अब वो चाय के लिए बहुत बॉटल पड़ी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ वो क्या, तो वो जब ख़त्म होगी तो वो दूध की बॉटल नीचे जा रही थी, लेकिन वो लोग नीचे इंजॉय कर रहे थे, तो ये एक मेमोरेबल टाइम था, और आज भी वो बॉन्डिंग है जो मेरे साथी हैं सारे, कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, तो आज भी वो जब मिलते हैं तो वो यादें ताज़ा हो जाती है, और वो चीज़ एक ऐसी आ जाती कि शायद कुछ देर पहले ही ये वर्ल्ड कप जीता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चाहत के लिए। थैंक यू सर। कैन आई कॉल मिस्टर संदीप पाटिल ऑन स्टेज प्लीज, विद अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और एक और बात मैं जोड़ दूं साथ में, कि मुझे बड़ी खुशी है कि जो कप्तान का रोल हो रहा है तो बहुत बड़े लोग, हमारे छोटे भाई रणवीर सिंह और साडा पंजाबी भरा। हेलो, क्या बात है सर, मेरी शर्ट चुराई है आपने आज। दुध इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हेलो आर एनर्जी लेडीज एंड जेंटलमैन, रणबीर कबीर एवरीबडी हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस। मैं ऐसे चल के इसलिए आया क्योंकि जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई मैनेजर साहब ने मेरा रूम पार्टनर बनाया सुनील गावस्कर। अभी मैं जभी रूम में आता था हमारे साहब सो रहे थे, वो दिन में प्रैक्टिस करते थे हम रात में प्रैक्टिस करते थे, तो रात में जभी हमारी टीम हुआ करती थी, यश कीर्ति बल्लू रॉज, तो हमारी प्रैक्टिस रात में ज़्यादा चलती थी। तो नहीं मैं सचमुच कह रहा हूँ, जैसे अभी चिका ने जो पूरी फेकम फेक की पहले, ये फेकम फेक नहीं है लेकिन हमेशा यू नो पहले 3-4 दिन में ऐसे ही चल रहा था, और सुनील वहाँ से करता था सैंडी मैं देख रहा हूँ नॉर्मल चलना। तो मैंने कहा कि ये आदमी रात को भी इसकी आंखें खुली रहती है तो इसलिए दिन में इतना अच्छा काम करते हैं। फिर मैं मानसिंह साहब के पास चला गया कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई काफ, तो सुनील ने कहा कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम काफ का नहीं है, वो ऐसे रूम में आता है इसलिए। एनीवे द बेस्ट थिंग हैपेंड इन दैट 83 वर्ल्ड कप वॉज हमारे कप्तान साहब, जिनके सिर के ऊपर भूत चढ़ा था अंग्रेज का, बार बार अंग्रेजी ठोक देते थे और अभी भी ठोकते हैं। तो जब टीम मीटिंग हुआ करती हमारी हुआ करती थी, और उस जमाने की टीम मीटिंग, और कपिल देव साहब टीम मीटिंग ले रहे हैं, आज तो समय बदल गया है, पूरी डिटेल बात होती है, विकेट के बारे में हो, हर खिलाड़ी के यू नो जो
स्किल्स है उसके बारे में हो। कपिल शुरू करता था, सुनील यू हैव टू बैट, चिका यू हैव टू हिट, जिमी दिलीप आपको खड़े रहना है, यश आपको तगड़ा होके, यश तो पैदा ही तगड़ा हुआ था, सैंडी तू शेर बनना। तो मैं बोला कि मैंने शेर की भूमिका कभी अदा नहीं की यार, मैं शेर कैसे बनूं। कीर्ति तू स्ट्रांग, तो मैंने कीर्ति खाना पड़ेगा तेरे को, तू दुबला पतला लग रहा है। किरी कीपिंग करनी है, तो किरी बोलते अरे मैं तो सिर्फ कीपिंग ही करता हूँ, दूसरा कोई कीपर ही नहीं। ऐसे में हमारी टीम मीटिंग खत्म हुआ करती थी। फिर कपिल बाहर जाने के बाद हमारे जो सीनियर्स थे सुनील जिमीपा, हम उनको कहते थे कि क्या कहना चाह रहा था। तो पूरा वो जो टीम मीटिंग का ये था वो डिकोड हम करते थे कि कोई बात नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा। एंड आई स्वेयर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैच से वेस्ट इंडीज फाइनल, पहला वेस्ट इंडीज और लास्ट आखिरी भी वेस्ट इंडीज, हमारे साहब हमारे कप्तान साहब बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, हम सुनते रहे और हम खेलते भी रहे, और हम खेलते रहे इसलिए ये कप मिल हासिल हुआ। थैंक्स टू माई ग्रेट कैप्टन एंड थैंक्स टू ऑल माई बडीज जिन्होंने ये यू नो साथ दिया हमारी सही समय पे सही मैच में सही योगदान। एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट माई लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिमी ने कहा यश ने कहा अभी कि वो आस्ते खेले और नाराज थे, हम नाराज नहीं थे जिमी, हम नर्वस थे, सचमुच हम नर्वस थे क्योंकि इनके बाद बारी थी मेरी। लेकिन जो पेपर में आया था उस दिन उस सुबह में जो पेपर सारे जो अंग्रेज अखबार वाले थे उन्होंने जो लिखा था कि फ्री वे टू इंग्लैंड फॉर द फाइनल्स, बहुत बात चुभी वो। एंड आई रिमेम्बर सुनील कपिल जिमी ने वो बात हमें ब्रेकफास्ट टेबल पे याद दिलाई कि बच्चों देखो क्या लिखा है इन्होंने। और जब मेरी बारी आई जिमी आउट होने के बाद, तब मैंने बोला कि चाहे बॉब विली से हो चाहे उसका बाप हो, मैं जाके तोड़ने वाला हूँ। थैंक यू। भाई कप्तान साहब के बारे में इतने खुलासे हो रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक कप्तान साहब को बुला लेना चाहिए टू डिफेंड हिमसेल्फ। कैन वी प्लीज वेलकम द लेजेंड द कैप्टन ऑफ द टीम मिस्टर कपिल देव। कपिल भाजी अपने में ज़्यादा बोलूँगा इतना कुछ बोल चुका हूँ टीम के सामने, अब जब से वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ मैं नहीं बोला क्योंकि पहले ही बोल लिया, अब इनकी बारी है मेरी सुनने की बारी है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आपको बताता हूँ एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा, कपिल भाजी के साथ मैं एक बार एक शो कर रहा था तो एक बड़ा गुड बॉय स्टूडेंट बैंकर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, ऐसे उसको लगा कि उसकी टर्न आ गया क्वेश्चन पूछने का, उसने कहा सर 1983 वर्ल्ड कप फाइनल सर that total what did you tell the boys before you went out to defend that small total। to kapil paaji ko obviously ye sawal log 100 bari puch chuke hain, to unhone usko bola how old are you, usne kaha sir I'm 42, what marks you got in class 12, kehta hai sir 92%, what did you eat for breakfast before the final exam, to aadmi kehta hai sir I don't remember, if you don't remember how can I remember from 30 years ago। तो बिल्कुल सीधी बात करते हैं और किसी से नहीं डरते, एंड आई थिंक इट्स नॉट योर वर्ड्स बट दैट एटीट्यूड दैट यू टुक इनटू द 1983 वर्ल्ड कप दैट आई थिंक गॉट अस दैट ट्रॉफी। नाउ ऑल योर टीममेट्स आर सिटिंग ओवर हियर, आई थिंक दे आर ऑल गोइंग टू कम एंड से थिंग्स अबाउट यू, आर यू गेटिंग हैप्पी और आर यू गेटिंग अ लिटिल एम्बैरस्ड? नो आई एम नॉट एम्बैरस्ड, आई मीन जो है सो है और ऐसा कोई नहीं कह सकता किसी इंसान ने गलती नहीं की, मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी इनके साथ। शायद मेरे पास एक ही चीज़ था, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आया था, ये सब कल्चर बैकग्राउंड से आए थे तो मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर था तो मेरा वो एग्रीकल्चर आ जाता था उसके लिए मैं तब भी सॉरी कह देता था, आज भी कहता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से आए हो वो झलकी आपके सामने आ जाती है, तो कभी कभी मेरा वो एग्रीकल्चर पार्ट आ जाता था। एंड क्रिकेट इज़ प्लेड बाय कल्चर्ड पीपल, आज से 15 साल पहले
वो उस भाई कल्चर जब हमने क्रिकेट शुरू की जब हमने क्रिकेट शुरू की तो ये इंग्लिश में खेली जाती थी क्रिकेट, हिंदी में नहीं खेली जाती थी। तो पहली बार जब मेरे को कप्तान भी बनाया तो भूले यार इसको कप्तान बनाओगे तो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो मेरे को अभी तक याद है मैंने कहा किसी को ऑक्सफोर्ड से बुला लो वो अंग्रेजी बोलेगा मैं क्रिकेट खेल लूँगा। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे दौर में थोड़ी तब्दीली आई कि पहली बार टीम मीटिंग में तो इंग्लिश बोलता ही नहीं था, आता भी नहीं था, और ये सारे टीम वाले कैच पकड़ते होते थे कि आज क्या कैच देगा इंग्लिश में। सो मैं कहता था ठीक है भाई आप पकड़ो कोई बात नहीं। बहुत कैच इन्होंने पकड़े और बहुत मज़ा किया। सिर्फ इतना कहूँगा हमारी अपनी टीम के लिए, वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हम कभी भी नहीं बताना चाहते। नो आई डोंट नो ये सब कुछ बता रहे हैं कैसे निकलेगा। शायद अब तो 25-25 साल शादी के हो गए हैं, छोड़ेगी भी नहीं कोई। आई थिंक जिमी ने बहुत कुछ कहा, वो देखते थे वो एक और पिक्चर बनेगी 1983-2 वो सेंसर्ड ही होगी पिक्चर। हम कभी भी नहीं बताना चाहते। हमारा एक ही क्रिकेट में रहा है कि कुछ चीज़ें अगर हम ना कभी शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ना ही शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी। बट वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत इन्जॉय किया। बिल्कुल सही श्रीकांत ने कहा कि हम गए थे वहाँ खेलने के लिए, ज़रूर था, मैं कैप्टन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ जीतना है, फतूर था, बाकी तो कुछ नहीं था। शायद हार्ट इन हार्ट वी ऑल न्यू कि इतनी हमारी टीम बड़ी नहीं है, लेकिन एक ही टीम कहूँगा इस 83 के बारे में, हाफ वे थ्रू द टूर वी रियलाइज वी हैव अ टीम। जब हमारी टीम पिक हुई थी शायद हमें भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाफ वे once we reach couple of matches we won, after that I think I wasn't a captain, whole team was a captain, they start deciding kya karna hai, aur uske baad situation jab aapka ball is rolling on your side then nothing can go wrong. I think everybody played their role, they played very well, and we want to say thanks to Vishnu and all the people. You are making the movie on us. I think that's a big thing. And as Shrikant or Yash said, let's not talk too much about here. You must see that a lot of stories will come out which we will be embarrassed also and we will be happy also. Perhaps 20 saal pehle main ye baatein nahi kehta Kabir ko jo main aaj keh sakta hoon. Isliye आप अपने आप को कब पहचानते हो वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वी रियलाइज आवर सेल्फ ड्यूरिंग द टूर ऑफ 83, यस वी हैव अ टीम। थैंक यू सो मच कपिल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू। हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस? एक ड्रिप लगा लो अभी यहां से आप। सर इट इज माई ऑनर एंड माई प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, one of the greatest sports stories and one of the greatest stories of our country. Thank you so much for letting us tell your story. Can I please call